ભારતમાં યોજાયેલી G20 બેઠકમાં યુક્રેનને આમંત્રિત નહોતું કરાયું। उपरांत G20 डिक्लेरेशन में पण रशियाना नामनो उल्लेख नहोतो करायो, जेनी दाज युक्रेन हवे उतारी रह्यु छे। भारतनी हीरा एक्सपोर्ट करती फर्म श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स कंपनी ने युक्रेनी राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण एजेंसीए युद्धना आंतरराष्ट्रीय प्रायोजकोनी लिस्ट में मूकी दीधी छे। युक्रेनो दावो छे कि आ कंपनीए रशिया पासेथी 2021ना मुकाबले 2023मां 3 गणा रफ हीरा खरीद्या छे, जेनी कीमत 132 मिलियन डॉलर थाई छे। जो के युक्रेन द्वारा करायेली आ जाहेरात थी भारतीय कंपनी ने केटलो फरक पड़शे ते स्पष्ट नथी थयुं। भारतनी आ कंपनी दुनियानी मोटी मोटी कंपनीओ पासेथी रफ हीरा खरीदती होय छे। उल्लेखनीय छे के विश्वना 95% हीरा भारतमां बने छे। युक्रेननी एजेंसीनुं कहेवुं छे के भारतनी आ कंपनी रफ हीरा खरीद्या बाद तेने कटिंग पॉलिशिंग करीने तेनी निकास करे छे। आ कंपनी रशियन कंपनी अलरोसा पासेथी पण रफ हीरानी खरीदी करे छे। युक्रेननी दलील छे के रशिया साथे व्यापार करवा पर प्रतिबंध मुकायो छे। आम छतां भारतनी कंपनी रशिया साथे व्यापार करीने आडकतरी रीते रशियानी युद्धखोर नीतिने प्रोत्साहन आपी रही छे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।